स्टार्ट। हम लोग आर साल के पहले चैप्टर में 1 से 46 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे, आगे 47 से क्वेश्चन है। आज दो टॉपिक देखेंगे, एक अभाज्य संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन है और कुछ विभाज्यता के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। यानी आपका क्वेश्चन हो जाएगा 47 से लेकर के 73 तक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसका अभाज्य संख्या। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक स्वयं और एक, जैसे 5। तो 5 में जो है कितनी संख्या से भाग लग रहा है, कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है, एक एक से लग रहा है और एक 5 से लग रहा है। यानी इसके केवल कितने गुणनखंड है, इसके केवल दो गुणनखंड है, यह अभाज्य संख्या हुआ। जैसे मान लेते हैं एक के कितने गुणनखंड होंगे, केवल एक। दो में किस किस से लगेगा, एक से, दो से। तीन में किस से लगेगा, तो एक से और तीन से। चार में किस से लगेगा, तो एक से, दो से, चार से। तो वैसी संख्या जिसे केवल दो गुणनखंड हो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अभाज्य संख्या। ये एक में केवल एक ही है इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। पहली अभाज्य संख्या जो है वह क्या है, दो है। फिर दूसरी अभाज्य संख्या 3 है। चार अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 3 अभाज्य, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 अभाज्य संख्या है। 6 अभाज्य संख्या नहीं, 6 में जो है सो 3 गुणा 4 गुणन हो जाएगा, ये नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है। 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें केवल एक से और स्वयं से भाग लगे। पहली अभाज्य संख्या 2 है और केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। यानी सम अभाज्य संख्या कह सकते हैं 2 है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। किसके अलावा, 2 के अलावा। तो कभी भी हमको अगर अभाज्य चेक करना हो तो हम कोई भी सम संख्या दिया रहेगा तो हम उसको अभाज्य चेक, वो अभाज्य होगा ही नहीं 2 को छोड़ करके। जैसे मान लिया हमको 626 अभाज्य है या नहीं, एक नजर में कहेंगे अभाज्य नहीं, क्योंकि सम संख्या जो 2 को छोड़ करके जो इस कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। आइए देखा जाए अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2 की, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 31, 33, 37, 43, 44, 45 कुल 15 होगा। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 एक कहीं गलत हो गया है, 27। तो कुल मिलाकर जो है 15 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होता है और 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होता है। पहला अभाज्य संख्या क्या है, 2। पहला अभाज्य संख्या 2 है जो कि सम भी है। इसके अलावा जो है बाकी आप देख सकते हैं, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या और 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है और 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है। अब कोई अंक अभाज्य है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो वही भाग का नियम है, विभाज्यता का नियम उपयोग करके हम लोग देख लेते हैं कि वो अभाज्य है या नहीं। जैसे मान लेते हैं 47 छोटा संख्या लेते हैं, ये अभाज्य है या नहीं, तो हम तो याद कर लेंगे कम से कम जो 50 तक या 100 तक में कौन कौन अभाज्य संख्या है या नहीं। अब चेक करेंगे इसमें कि अभाज्य है या नहीं। तो पहला तो 1 से लग रहा है, फिर 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं। फिर देखिए अब क्या होगा ना कि हम लोग जो है सो 1 से चेक किए, फिर अगला किस से किए, हम 2 से किए, 1 से तो लगेगा ही, चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, अगला 4 से हम चेक नहीं करेंगे। 4 से अगर लगना होता तो 2 से नहीं लग जाता, तो 4 से हम नहीं चेक करेंगे, हम चेक करेंगे किससे, फिर 5 से। सिर्फ अभाज्य संख्या से ही चेक करेंगे, 6 से चेक नहीं करेंगे। अगर 6 से लगना होता तो 2 या 3 से लग चुका होता, फिर चेक करेंगे हम 7 से। 8 से नहीं चेक करेंगे, 9 से नहीं, 10 से नहीं, चेक करेंगे हम 11 से। इसी ढंग से जो है भाग लगाकर हम चेक करेंगे, अगर वो लग गया किसी और से, 1 से तो लग ही रहा है, इसके अलावा किसी और से लग गया तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और नहीं तो वो अभाज्य होगा। एक मतलब एक स्वयं और इसके अलावा किसी और से लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भाज्य हो जाएगा। नहीं अगर केवल 2 ही संख्या, एक स्वयं से और एक से लगेगा तो क्या होगा, वो अभाज्य होगा। जैसे एक चेक करते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं 511, यह भाज्य है या अभाज्य। ध्यान दिया जाए चेक किससे करेंगे, इसमें हम अभाज्य संख्या से चेक करेंगे भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन कहाँ तक ये थोड़ा एक समझने की बात है कि मान लें हम 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से, 7 से, कहाँ तक, 89, 97, 97 कहाँ तक चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए 511 अभाज्य है या नहीं इसके लिए हमको चेक करना होगा कहाँ तक। तो 511 का जो है रूट लगभग में, कोई जो भी एग्जैक्ट निकालना है हमको, लगभग में मान लीजिए ना 25 का 625 होता है, 24 का 75, 25
625 लगभग 23, तो 23 तक के अभाज्य संख्या से चेक कीजिए, अगर किसी से भाग लग गया तो ये क्या होगा भाज्य होगा, और नहीं लगा तो क्या होगा अभाज्य होगा। फिर समझ लीजिए क्या करते हैं, कोई संख्या हमको दिया हुआ है, जैसे हमको मानना है निकालना है 721, 721 अभाज्य है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 721 का वर्गमूल जो होगा वहां तक के अभाज्य संख्या से चेक करेंगे, अगर किसी संख्या से लग गया तो ये क्या हो जाएगा भाज्य होगा, नहीं लगा तो अभाज्य होगा। तो 721 को चेक करना है, तो 721 क्या मतलब लगभग 27 तक मानिए, 27 का 729 होता है, 27 तक के अभाज्य संख्या से अगर किसी में भाग किसी से भाग लग जाएगा तो ये अभाज्य होगा, नहीं लगेगा तो अभाज्य। 27 तक के किसी संख्या से किसी अभाज्य संख्या से लग जाएगा तो ये भाज्य हो जाएगा, नहीं लगेगा तो अभाज्य हो जाएगा। आइए देखा जाए, पहले 511 भाज्य है या नहीं चेक कर लेते हैं, कहाँ तक चेक करेंगे 23 तक, 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 23 तक में एक से तो लग ही रहा है, दो से नहीं चूंकि ये सम नहीं है, तीन से नहीं, संख्या का योग, तीन का नियम क्या है दी हुई संख्या के अंकों का योग तीन से भाज्य होना चाहिए, 527 तीन से नहीं लग रहा है, चार से चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि वो भाज्य अभाज्य नहीं है, पाँच से नहीं लग रहा है, सात से 749 सात से लग गया, ये 749 और 721 यानी जब ये सात से लग जाएगा तो एक तो ऑलरेडी खुद ये है ही, ये क्या हो गया आपका ये हो गया भाज, 511 अभाज नहीं है। चेक करते हैं 721 अभाज है या नहीं, तो इसमें कहाँ तक चेक करना है हमको, 27 का स्क्वायर होता है 729, इसके रूट से इसके रूट जो आएगा ना वहां तक चेक करना होता है, लगभग में ले लीजिए कोई संख्या 27, तो 27 तक में चेक करेंगे, दो से नहीं लग रहा है, तीन से नहीं, पाँच से नहीं, सात से, हाँ सात से लग गया, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भाज्य हो गया। आइए अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, उसमें सब क्लियर हो जाएगा जो बचा हुआ चीज है। आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए, तो क्वेश्चन आपका है 47, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या है दो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रथम पांच अभाज्य संख्या का योग, प्रथम अभाज्य पांच अभाज्य संख्या क्या है दो तीन पाँच सात ग्यारह, जोड़ लीजिए, पाँच तीन आठ दो दस, सात सत्रह, ग्यारह अट्ठाईस, पाँच पाँच दस सत्रह ग्यारह हो जाएगा 28, तो प्रथम पांच अभाज्य संख्या का योग कितना हो गया 28 हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो अभी बता रहे थे हम कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है 15, और 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है 25, एक से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या है और एक से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 93 और चौथा ऑप्शन है 97, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, तीन से लग गया, ये नौ से लग रहा है, ये अभाज्य नहीं, ये भी तीन से लग रहा है, 97 क्या है अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, 51 भी यही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, 51 नंबर में क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो नहीं है वो पूछा जा रहा है, 31 ऑप्शन बी, 61 ऑप्शन सी, 71 और ऑप्शन डी 91। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, 31 अभाज्य है, 61 अभाज्य है, 71 अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है क्योंकि उसमें तीन से ये 13 से भाग लग रहा है और 7 से भाग लग रहा है, 391 होता है, तो वो क्या है अभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, अभाज्य है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से अभाज्य है, पहला 119, 187, 247 और चौथा है 551, देखना है हमको इसमें कौन सा अभाज्य है, 17 से 119 होता है यानी इसमें 7 से भी लग रहा है और 17 से भी लग रहा है, ये अभाज्य आपका नहीं है। अगला देखा जाए 187, यह अभाज्य है या नहीं, तो हम इसको चेक करेंगे, चेक करने के लिए कहाँ तक चेक करेंगे, हम जानते हैं 14 का स्क्वायर होता है 196 यानी 14 तक का जो भी अभाज्य संख्या है उससे चेक करेंगे, यदि किसी से लग गया तो ये हो जाएगा भाज्य, नहीं लगा तो हो जाएगा अभाज्य। 187 का रूट करिए, लगभग 14 तक का अभाज्य संख्या जो है उसे चेक करिए, तो दो से नहीं लग रहा है, तीन से नहीं, पाँच से नहीं, सात से नहीं, 11 से लग गया, ये क्या है भाज्य हो गया, ये क्या हो गया भाज्य हो गया।
इसमें लग गया 11 से भाग लग गया तो भाज हो गया। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट 247। अब ये चेक करना है ये अभाज्य है या नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे 247 का रूट लगभग 25 या 26 ले लीजिए आप, 26 तक का जो अभाज्य संख्या है उससे चेक करेंगे, अगर लग गया तो ये हो जाएगा भाज, अगर किसी से नहीं लगा तो हो जाएगा अभाज। तो 247 का लगभग रूट होगा 26, तो चेक कर लेते हैं 26 बहुत नहीं बहुत ज्यादा कह दिए 16 होगा, तो 16 तक मात्र चेक करेंगे। 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं लग रहा है, 13 से, तो 13 से लग जाएगा, 13 का 13 11 13 19 हो जाएगा इतना, ये भी आपका हो गया भार। तो आपका ये क्या इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है भी, हाँ एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है तो हमको चेक करना होगा। देखते हैं 551 अभाज्य है या नहीं, तो 551 को चेक करने के लिए इसका अगर वर्गमूल किया जाए तो 26 का 576 होता है, चलिए 26 तक जो है सो 24 का 576 होता है, तो 24 तक हम लोग चेक करते हैं कि किसी से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो देखते हैं 2 से नहीं लगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 749 7 से भी नहीं लग रहा है, 11 से नहीं, 13 चौका 52 13 से भी नहीं लग रहा है, 17 से चेक करेंगे 17 दुना 34 और 751 17 से भी नहीं लग रहा है, 19 से 19 दुनी 38 हाँ 19 से लग जाएगा आपको, जब इसमें भाग करिएगा 19 से इसमें लग जाएगा, यानी यह भी अभाज्य नहीं है, आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसको आप जल्दी कर सकते हैं, चूंकि समझाना है तो थोड़ा आराम आराम से हम इसको बना रहे हैं। तो क्वेश्चन था आपके इस निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं अभाज्य संख्या है, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 52 का आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन 53 है, पूछ रहा है अभाज्य है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है, पहला ऑप्शन है 161, दूसरा है 221, तीसरा है 373, चौथा ऑप्शन है 437 और इनमें से कोई नहीं। देखा जाए इसमें चेक करेंगे हम लोग 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 तक चेक कर लीजिए, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं भाग लग रहा है, 7 से लग गया, यानी ये क्या है अभाज्य नहीं है। अगला अगर हम करेंगे इसमें चेक करेंगे हम लोग कहाँ तक, 15 तक चेक करते हैं, 225 होता है, 15 तक चेक करेंगे, 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं, 7 से नहीं, 5 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से लग गया, 13 कहें 13 बचेगा 9, 13 से 91 13 × 17 लग गया। यहाँ चेक करेंगे 2 से नहीं, 3 से कहाँ तक चेक करेंगे, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 20 तक चेक कर लेते हैं, तो 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से भी भाग नहीं लग रहा है, 13 का हम चेक करेंगे अगला भाग कौन सा, 13 का 17 है, 17 × 34 17 से भी नहीं, 19 से भी नहीं लग रहा है, तो यही आपका अभाज्य होगा। अगला चेक करते हैं इसमें कि यह अभाज्य है या नहीं, तो लगभग हम लोग चेक करेंगे 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 तक चेक करेंगे, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से भी नहीं लग रहा है, 13 से भी नहीं लग रहा है, 17 से 34 17 से भी नहीं लगा, 17 बार चेक करेंगे हम लोग 19 से 38 और 19 से लग रहा है, नहीं अभाज्य नहीं है, उसमें 19 से भाग लग गया, यानी आपका आंसर 53 का हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 के बाद 54 नंबर, कह रहा है 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 101। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 100, और 100 अभाज्य नहीं है, अगला कौन सा 101, तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो ठीक है, तो अभाज्य संख्या में कुल इतना ही क्वेश्चन था आपके सामने यहाँ पर 47 से लेकर के 54 तक। अब आगे देखते हैं, तो 54 तक हो गया है, देखा जाए क्वेश्चन 55 नंबर है कि ए और बी दो विषम संख्या है, 55 नंबर क्वेश्चन है ए और बी दो विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम होगा, पहला ऑप्शन है ए प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस वन, तीसरा ऑप्शन है ए इंटू बी, और चौथा ऑप्शन है ए इंटू बी प्लस टू। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन आपका 55 है, ए और बी दो विषम संख्या है, तो
तो एक नियम जान लें कि दो सम संख्या का योग सम, सम प्लस सम बराबर क्या होगा, सम विषम प्लस विषम बराबर होगा सम, सम प्लस विषम हो या विषम प्लस सम हो, ये क्या होगा, विषम ही होगा। तो देखा जाए यहाँ पर क्या कहा गया, दो विषम संख्या है, ए और बी दो विषम संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सम होगा, तो विषम जोड़ विषम क्या हो जाएगा, सम। अगला है कि ये विषम प्लस विषम हो जाएगा सम, लेकिन जब एक जोड़ेंगे तो फिर से हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा विषम, ये विषम संख्या गुणनफल विषम ही होता है, विषम संख्या का गुणनफल विषम होगा, फिर उसमें जब दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा विषम, तो आपका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन था कि ए और बी दो विषम संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, 56 और 57 दो क्वेश्चन है, और ये विभाजकता के नियम पर आने से पहले दो क्वेश्चन और है, देख लीजिए। जब हम वर्ग चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि किसी भी संख्या को वर्ग करने पर एक नियम है, किसी संख्या को वर्ग करने पर, या कहिए किसी प्राकृतिक संख्या को वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर दो तीन सात या आठ नहीं आता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, उसको जब वर्ग करेंगे हम इकाई के स्थान पर कभी भी दो तीन सात या आठ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, 30, 9, 76 अगला ऑप्शन है 75, 625, 28, 561, 143, 642। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, और हम जान रहे हैं किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करने पर कभी भी इकाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। तो ये जो दो है इसके इकाई पर दो है, ये संभव नहीं है, कोई भी प्राकृतिक संख्या वर्ग करेंगे कभी भी इकाई पर दो वाला आंसर नहीं आएगा, ये हो चाहे नहीं हो हम वो जान रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं यह जो है किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जान रहे हैं किसी प्राकृतिक संख्या वर्ग करने पर इकाई कथा पे 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है। एक क्वेश्चन और इसी पर है, उसको भी देख लीजिए आप, क्वेश्चन है 57, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, 81, 225, 32, 761, 42, 437 और 20, 164। आप देख करके कह सकते हैं कि इकाई पर 7 है, यह वर्ग नहीं होगा। आइए आगे बढ़ा जाए, अब जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है विभाजकता के नियम पर आधारित क्वेश्चन, जिसके लिए हमको विभाजकता का नियम जानना होगा, तो आइए थोड़ा सा जल्दी में विभाजकता का नियम हम लोग देख लेते हैं। जैसे दो से विभाजकता का नियम क्या है, इकाई दो से विभाजकता का नियम है संख्या सम हो या इकाई का समय क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो देखिए इसके इकाई पर सम है या 6 है, इनमें से कोई एक हो तो क्या होगा, आपका दो से विभाज हो जाएगा, यह दो से विभाज नहीं है, यह दो से विभाज है, यह दो से विभाज है। तीन से विभाजकता का नियम है, अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज, यानी जो भी संख्या आपको दिया जाएगा उसके अंक को जोड़िए, अगर उसका अंक 3 से विभाज होगा तो संख्या भी 3 से विभाज होगा, 4, 3, 7, 2, 9, 6, 15 विभाज है, 8, 4, 12, 12, 6, 18 विभाज है, 9, 4, 13, 3, 16, 18 यानी यह संख्या 3, यानी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाग लग जाएगा पूरा तो वह संख्या में भी पूरा 3 से भाग लग जाएगा। इसमें इसका योग 18 हो रहा है, 3 से विभाज है, यानी संख्या भी 3 से विभाज होगा। अगला 9, 6, 15, 3, 18, 4, 22 इसमें 3 से पूरा भाग नहीं लग रहा है, यानी यह क्या होगा, इसमें जो है सो पूरा 3 से भाग नहीं लगेगा इस संख्या में। एक चीज और गौर करिए, तो शेष कितना बचेगा, तो हम फिर से एक बार समझ रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन आपको अलग से क्वेश्चन देगा इस पे, कहेगा 6934 में 3 से भाग करने पर शेष कितना आएगा, तो हमको भाग करने की जरूरत नहीं, हम विभाजकता के नियम से ही आंसर बोल सकते हैं। 6934 है, 9, 6, 15, 3, 18, 4, 22 आप 22 में 3 से भाग करिए, शेष कितना बचा, 1। तो इसमें भाग जिसमें 3 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा, 1। एक क्वेश्चन अलग से लिया जाए, हमको क्वेश्चन रहेगा 6347
इसमें तीन से भाग करने पर कितना शेष बचेगा, तो भाग करने की जरूरत नहीं है, तीन के विभाजिता के नियम के प्रयोग से ही हम बता देंगे शेष कितना बचेगा। छह तीन नौ, नौ चार तेरह, तेरह सात बीस, बीस में भाग करेंगे तीन से शेष बचेगा दो, तो इस पूरा संख्या में शेष से तीन से भाग करने पर शेष कितना बचेगा दो। तो विभाजिता के नियम का एक ये फायदा भी है कि हम लोग जो है सो बिना भाग किए ही बता सकते हैं शेष कितना बचेगा। अगला चार से नियम है, अंतिम दो अंक से बनी संख्या, कोई भी संख्या दिया हो तो उसका अंतिम दो अंक यानी इकाई और दहाई वाला संख्या से बनी संख्या अगर चार से विभाज है वह पूरा संख्या चार से विभाज होगा। जैसे छियासी सौ का अंतिम दो अंक क्या है, जीरो जीरो है, तो जीरो जीरो में हम चार से भाग लगा सकते हैं, यह क्या है चार से विभाज है, यह भी चार से विभाज है, यह भी चार से विभाज है, यह भी विभाज है, लेकिन यह जो है चार से विभाज नहीं होगा क्योंकि इसके अंतिम दो अंक से बनी संख्या जो 38 है उसमें चार से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। पांच का नियम बहुत ही आसान है, यदि किसी संख्या के इकाई और के स्थान पर क्या हो, जीरो हो या पांच हो, तो वह संख्या क्या होगा चार से, वह संख्या पांच से विभाज होगा। वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर जीरो या पांच हो वह संख्या पांच से विभाज होगी। जैसे इसके इकाई पांच है, विभाज है, ये विभाज है, विभाज है, इसके इकाई पर क्या है आठ है, ये विभाज नहीं होगा, पांच है हो जाएगा, जीरो है हो जाएगा, पांच है हो जाएगा। आइए आगे बढ़ा जाए, छह से विभाजिता का नियम है, वैसी सम संख्या जो तीन से विभाज हो। छह से नियम क्या है, छह से नियम है, इसको बोला ऐसे ही बोला जा सकता है, वैसी संख्या जो दो और तीन दोनों से विभाज हो, या इसको दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि वैसी सम संख्या जो तीन से विभाज हो क्या कहलाएगी, वो छः से विभाज होगी। तो सबसे पहली बात हमको ये देखना है, एक चीज हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी सम संख्या, कोई भी संख्या वैसी संख्या हो एक नियम यहाँ पे एक और जानने की बात है, एक अलग से थोड़ा सा जान लीजिए, कभी भी सम संख्या में विषम से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी नहीं थोड़ा सा एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे कि हम ये कह रहे थे कि कोई भी सम संख्या है उसमें सम से कोई भी विषम संख्या में किसी भी विषम संख्या में किसी भी सम संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, किसी भी विषम संख्या में सम संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो अगर हमको यहाँ पे अगर दिया हुआ है ऑप्शन में विषम संख्या, तो कभी भी उसमें छः से लगेगा ही नहीं, छः क्या किसी भी सम संख्या से विषम संख्या में भाग नहीं लगेगा। देखा जाए तो हम देखते हैं यह छह से विभाज है या नहीं, तो पहला बात क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए या दो से विभाज होना चाहिए, ये दो से विभाज है। अब तीन से है या नहीं चेक करते हैं, तो चार तीन सात, दो नौ, चार तेरह, यह तीन से विभाज नहीं है, यानी यह छह से विभाज नहीं होगी। छह से विभाज होने के लिए दो और तीन दोनों से विभाज होना चाहिए। क्या यह संख्या सम है, हाँ है, और क्या तीन से विभाज है, तो चार दो छह, तीन नौ, दो ग्यारह, नहीं है, तीन से विभाज नहीं है, यह संख्या छह से विभाज नहीं होगी। अगला देखा जाए, यह संख्या क्या सम है, हाँ है, सम है, और क्या तीन से विभाज है, सात दो नौ, नौ पाँच चौदह, चार अठारह, हाँ तीन से विभाज है, यानी दो और तीन दोनों से विभाज है, यानी छह से विभाज होगी। सात का उतना कुछ खास नियम नहीं है, है नियम, एक छोटा सा नियम है, लेकिन उसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, और उससे अच्छा है कि हम लोग भाग लगा के ही देख लेते हैं, लेकिन चलिए जब चर्चा है थोड़ा सा देख लीजिए सात से क्या करना होता है। सात का नियम जैसे कि हमको देखा जाए, यह संख्या है, यह सात से विभाज है या नहीं, एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि यह सात से विभाज है या नहीं, यह जांचना हो तो क्या करिए, इकाई का संख्या जो है उसको दुगुना करिए, और दुगुना करके यहाँ पे आप रख दीजिए, दहाई के नीचे रख दीजिए और घटा लीजिए, बारह में से आठ गया तो चार, यहाँ दो, यहाँ चार, फिर यही कि आप दोहरा सकते हैं और भी दोहरा सकते हैं, चार का दुगुना करिए क्या होगा आठ, घटा लीजिए कितना होगा यहाँ पर चौंतीस, अब चौंतीस के सात से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या इस पूरा संख्या में सात से भाग नहीं लगेगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, मान लेते हैं यह क्वेश्चन है, यह सात से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, सात है, सात का दुगुना इसके नीचे यहां लिख लीजिए आप, घटा लीजिए जीरो, दस में से एक या तो नौ, यहाँ चार, देख रहे हैं सात से भाग लग रहा है, जीरो की घटना से फिर वही आएगा ना, सात से भाग लग गया, भाग लग जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा,
जैसे यह क्वेश्चन देखा जाए, यह 7 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो इकाई का स्थान है उसको दुगुना करिए, दो दुनी चार, और बाकी में सब घटा लीजिए। ठीक, यहाँ पे भी आप 7 से भाग लगा चेक कर सकते हैं, नहीं तो और करिए, इसको फिर दुगुना करिए, वही क्रिया दोहराएंगे, एक का दुगुना क्या होगा दो, और 65 में दो जाएगा कितना बचेगा 63, क्या यह 7 से भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, इस पूरा संख्या 7 से भाग लग जाएगा, लेकिन अगर ऐसा करने पर 7 से भाग नहीं लगता तो भाग नहीं देगा। यह हुआ 7 से भाग का नियम। 8 से भाग का नियम है कि जिस ढंग से 4 से भाग का नियम में क्या था, अंतिम दो अंक को चेक करते थे 4 से भाग है या नहीं, उसी ढंग से 8 के भाग का नियम में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक से बनी संख्या यदि 8 से भाग होगी तो वह संख्या भी 8 से विभाज होगी, लेकिन अंतिम तीन अंक बने संख्या पर क्या है, 8 से विभाज नहीं है, यह संख्या 8 से विभाज नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं यह संख्या 8 से विभाज है या नहीं, चेक करने क्या करेंगे, हम लोग अंतिम तीन अंक देखेंगे, अंतिम तीन अंक 8 से विभाज है, हाँ है, अंतिम तीन अंक से बनी संख्या, से बनी संख्या जो 648 बन रहा है यहाँ पर, वह 8 से विभाज है, हाँ है, यह पूरा संख्या 8 से विभाज होगी। जैसे एक क्वेश्चन और देखा जाए, 4 है 0 है 8 है, यह इसका अंतिम तीन अंक क्या है, 8 से विभाज है, यह संख्या 8 से विभाज हो जाएगी पूरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है 9 से विभाजता का नियम। तो जैसे 3 से विभाजता का नियम था कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज हो तो वह 3 से, तो पूरी संख्या 3 से विभाज होगी, उसी ढंग से संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज हो, जो भी संख्या आपको दिया जाएगा उसके अंकों को जोड़िए, और अगर उसका योग 9 से विभाज हो जाएगा वह संख्या भी 9 से विभाज होगी, अगर ऐसा नहीं होता है संख्या विभाज नहीं होगी 9 से। चल ध्यान दिया जाए, तो अब देखना है कि हमको यह 9 से विभाज है या नहीं, तो क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 9 7 16, नहीं यह 9 से विभाज, इसके अंकों का योग 9 से विभाज नहीं होगा, यानी संख्या 9 से विभाज नहीं होगी। अगला 8 4 12 3 15 15 6 18, हाँ इसके अंकों का योग 9 से विभाज है, विभाज हो जाएगी। अगला 7 3 10 2 12 6 18, 9 से विभाज है, अंकों का योग विभाज हो जाएगी। अगला योगफल हो रहा है यहाँ पर 27, जो कि 9 से विभाज है, पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज होगी। एक चीज यहाँ पे है, फिर से हम लोग सीख सकते हैं कि इस संख्या में 9 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा, यह जानने के लिए आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी विभाजता के नियम का प्रयोग करिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन होगा कि 4327 में 9 से भाग करने पर कितना शेष आएगा, तो हम लोग क्या करें, 4327 के अंकों को जोड़िए, 4 3 7 2 9 7 16, 16 में क्या करिए, 9 से भाग कर दीजिए, शेष कितना आया 7, तो इस पूरी संख्या में 9 से भाग करने पर 7 शेष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से विभाजित करने में बहुत ही आसान है, वैसी संख्या जिसके इकाई का स्थान पर क्या हो, 0 हो, वह संख्या 10 से विभाज होगी। आइए 11 के विभाजता का नियम है, वैसी संख्या जिसके इकाई पर जिसके सम स्थान के अंकों का योग, जिसके सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 हो या 22 हो, अर्थात 11 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगी, 11 से भाग होगी। प्रैक्टिकली समझा जाए, जैसे कि यहाँ पे 4 है, एक अंक छोड़ करके क्या है 2 है, और यहाँ पे 6 है, तो 4 2 और 6, इसका योग कितना हुआ 12, बच गया कितना 3 और 2, इसका योग कितना हुआ 5, इसका अंतर यदि अंतर क्या हो 0 11 22 33, अगर ऐसा हो तो वह विभाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर ये होना चाहिए, तो यहाँ पे देख लिया हम लोग, विषम स्थान के अंकों का योग क्या है 12, सम स्थान के अंकों का योग क्या है 7, इसका अंतर कितना आया 5, तो यह क्या है, यह 11 से विभाज नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 7 6 3 4, अब उनको देखना है यह 11 से विभाज है या नहीं, तो क्या करेंगे, एक संख्या, पहला संख्या 7, उस एक छोड़ कर लीजिए 3, तो 7 जोड़ 3 10, बाकी बच गया 6 और 4, इसका योगफल कितना हो गया 10, अंतर क्या होगा 0, यानी यह संख्या 7 से विभाज 11 से विभाज है। अगला देखा जाए, 6 देखना है, 69 34 18, यह जो है 11 से विभाज है या नहीं,
क्या करेंगे, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको जोड़ लेंगे, और उसका अंतर 0, 11, 22 होना चाहिए। 6, 3, 9, 9, 1, 10, 9, एक अंक छोड़ कर 9, 4, 13, 13, 8, 21, इसका अंतर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो जब कभी हमको अंतर क्या हो, 0 हो, 11 हो, 22 हो, इस ढंग से हो, तो वह विभाज होगा, यानी संख्या 11 से विभाज होगी। एक लास्ट क्वेश्चन 11 से विभाज के नियम पर देख लेते हैं हम लोग, 5, 6 और 9, यह 11 से विभाज है या नहीं। क्या करेंगे हम लोग, एक एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे, 4, 5, 9, 9, 9, 18, बाकी जो बच गया 3 और 6 उसको जोड़ लीजिए, 6, 3, 9, अंतर कितना आया 9, तो यह विभाज 11 से नहीं होगा, हमको ये आना चाहिए था अंतर। चलिए 11 के विभाज का नियम हो गया, आगे जान लीजिए कुछ, जैसे कि 12 का क्या होगा, तो 12 से वैसी संख्या विभाज होगी जो 3 और 4 से विभाज होगी, 15 से वैसी संख्या विभाज होगी जो 3 और 5 से विभाज होगी, 18 से वैसी संख्या विभाज होगी जो 2 और 9 से विभाज होगी, 33 से वैसी संख्या विभाज होगी जो 3 और 11 से विभाज होगी, 44 से उसी ढंग से 4 और 11 से जो विभाज होगी हो जाएगी, 72 से वैसी संख्या विभाज होगी जो 8 और 9 से विभाज होगी, 99 से वैसी संख्या विभाज होगी जो 9 और 11 से विभाज होगी, 45 से वैसी संख्या विभाज होगी जो 9 और 5 से विभाज होगी। तो मुख्य रूप से इतना अगर आप ध्यान रखते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाज हो जाएगी, तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 12 से 3 मतलब इसमें क्या ख्याल होता है ना, ये दोनों क्या है, सहअभाज संख्या है। तो हम जानते हैं सहअभाज संख्या पढ़ेंगे आगे, अगला चैप्टर हमारा है लौसम मौसम, वहाँ उसका इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो सहअभाज संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मौसम एक होता है, तो ये दोनों सहअभाज संख्या है 3 और 4, तो इसका जो गुणनफल होगा, तो जो गुणनफल होगा उस गुणनफल से वह संख्या विभाज होगी। नियम यह है कि सहअभाज संख्याओं के गुणनफल, सहअभाज संख्याओं के वैसी संख्या जो सहअभाज संख्या से विभक्त हो वह उसके गुणनफल से विभक्त होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर, विभाजिता के नियम में पहला क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन है, 517, 324 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या कौन सी आएगी। तो 3 का विभाजक नियम क्या है, हम देखेंगे कि उसके अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 3 से विभाज होना चाहिए, 5, 1, 6, 6, 7, 13, 3, 16, 2, 18, 18, 4, 22। तो 22 हमारा जो है 3 से विभाज नहीं है, हमको यहाँ पे कितना और कम से कम क्या रखें, कम से कम क्या रखें, छोटी छोटी पूछा जा रहा है, कम से कम क्या रखें कि यह 3 से विभाज हो जाएगी। तो हमको 22 है, 22 का अगला कौन सा होता है जो 3 से विभाज है, 24, उसके लिए हमको 2 चाहिए। तो स्टार के जगह पर हम क्या रख दें, 2 रख दें कम से कम, यह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज हो जाएगी। इसके अलावा 2 ही नहीं, हम 5 रखेंगे, 8 रखेंगे, तब भी विभाज होगी, लेकिन हमसे पूछा गया है छोटी से छोटी, तो यहाँ पे छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजता के लिए 2। एक क्वेश्चन आप बनाइए देखा जाए, जैसे क्वेश्चन हमारा 4, 3, *9, 5, स्टार के स्थान पर छोटी छोटी संख्या क्या रखी जाए, यह 3 से पूर्णतः विभाज हो जाएगी, 4, 3, 7, 7, 9, 16, 16, 5, 21, ये तो पूरा पूरा हो रहा है, 4, 3, 7, 9, 16, 16, 5, 21, तो छोटी छोटी संख्या क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ 0 रख दें हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 3, 7, *5, 4, स्टार के स्थान पर छोटी छोटी संख्या क्या रखी जाएगी, यह 3 से विभाज हो जाएगी, तो 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 4, 19, हमको क्या चाहिए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन मान लिया अपना मन से हम ले लें, 4, 3, *6, 2, 9 से विभाज होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 के विभाजता का नियम भी यही है कि अंकों का योगफल क्या होना, जो जिसके विभाजता का नियम है उसी से इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि 9 से विभाज होना चाहिए, तो 9 के विभाजता का नियम है कि अंकों का योगफल 9 से विभाज होना चाहिए, 4, 3, 7, 2, 9, 6, 15, कितना हमको और चाहिए, 3, तो ये स्टार के स्थान पर कम से कम 3 रखने से क्या हो जाएगा, यह 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, आप बनाइए इसको, 4, 7, *5, 2, स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए कि यह जो है 9 से पूर्णतः विभाज हो जाएगी, तो 7, 11, 11, 7, 18, फिर से पूरा कट रहा है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59, नौ सिद्धांता का नियम पर है। क्वेश्चन है 481 स्टार 677 नौ से विभाग जोड़िए 8 4 12 13 16 16 16 6 22 22 7 29। हमको कितना चाहिए? 29 का अगला कौन सा जो कटेगा 9 से? 36। 29 7 होता है 36, हमको 7 यहाँ पे आ जाएगा। 8 4 12 13 16 16 6 22 22 7 29। 29 में कितना जोड़ेंगे हम? 7 जोड़ेंगे तो 9 से विभाग हो जाएगा, यानी स्टार का स्थान पर क्या आएगा? 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, 97 215 स्टार 6 में स्टार के स्थान पर छोटा छोटा कौन सी संख्या रखा जाए कि 11 से विभक्त हो जाएगा? क्वेश्चन आप अपना बुक में देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए 11 से जो है विभक्त होना चाहिए। तो 11 का क्या नियम है? एक एक अंक छोड़ करके जोड़ेंगे, 9 2 11 11 5 16 16 6 22, 9 2 11 5 16 6 22। अब बाकी जो अंक रह गया उसको देखिए, 8 7 1 8 8 प्लस स्टार 8 प्लस एक्स ले लीजिए। अब इसका क्या होना है हमको? इसका अंतर जो है हमको या तो 0 होना है, 11 होना है या 22 इस ढंग से होना है। 11 है तो कम से कम कितना रखा जाए? तो हम तो 22 पूरा कर नहीं सकते हैं एक्स मान एक अंक में रखने से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 रखेंगे। अगर एक्स की जगह हम 3 रखते हैं, आखिर क्या होगा? 11 अंतर हो जाएगा हमको 11, यानी यह स्टार के स्थान पर 3 रखने से क्या होगा? यह संख्या विभाजित हो जाएगी 11 से, तो स्टार के स्थान पर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 61 है, 8 से स्टार का स्थान पर क्या रखा जाए कि 8 से विभाज हो जाएगी? इसमें आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपने हिसाब से सारा अंक वहां रख के चेक करना होगा, तो सारा अंक रखने से बेहतर है कि जो ऑप्शन दिया हो उसी को रख के हम लोग चेक कर लें, क्योंकि यहाँ आपका ऑप्शन में जो है सो एक इनमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन रहेगा। तो देखा जाए, 8 का नियम है कि अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज होना चाहिए। अगर 1 रखेंगे, 1 रखने से क्या होगा? 8 से 56 बचेगा 52, नहीं 1 रखने से नहीं हो रहा है, 2 रखने से 8 से 56 62, नहीं फिर मतलब 2 रखेंगे 622 बनेगा जो कि 8 से विभाज नहीं है, 3 रखेंगे तो जब 3 रखेंगे 8 से 56 72, हाँ 3 रखने से क्या होगा? 632 बनेगा और वह विभाज हो जाएगा, यानी स्टार का स्थान पर 3 रखने से यह संख्या क्या हो जाएगी? विभाज हो जाएगी, 4 रखने से नहीं होगी। फिर से आगे बढ़ा जाए, ये था क्वेश्चन आपका 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 62 नंबर, वैसी मतलब ऑप्शन दिया हुआ है 45 से विभाज। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 45 से विभाज है? पहला ऑप्शन है 181 560, ऑप्शन 2 33 11 45, ऑप्शन तीसरा है 20 2 8 6 0, ऑप्शन डी में है 20 33 550, ऑप्शन ई है। इसको आप बना सकते हैं आसानी से, हालांकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन लिखा हम आपको वो लिख दिए हैं, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इसमें जो है दो दो ऑप्शन ऐसा आ रहा है जो 45 से विभक्त होगा, यहाँ आपको चेक करके दिखा रहे हैं। 45 से विभाजता का नियम है, नियम नहीं आप ये जान लीजिए थोड़ा सा, कि 45 से विभाज ऐसी संख्या विभाज होगी जो 9 और 5 से विभाज होगी। तो हमको चेक करना है इसमें से कौन कौन संख्या 9 और 5 से विभाज होगा, जो विभाज होगा वह क्या होगा? 45 से विभाज होगा। तो क्या यह 5 से विभाज है? हाँ, सभी संख्याएं क्या है? 5 से विभाज है। तो हमको चेक करना है भाई 9 से कौन विभाज होगा, 5 से सब है ही, 9 से कौन विभाज है? तो 8 1 9 10 10 16 5 21, 9 से विभाज नहीं है। 3 3 6 2 8 4 12 5 17, 9 से विभाज नहीं है। 2 2 4 4 4 6 10 8 18, यह जो है 9 से ही विभाज है और 5 से ही विभाज है, यह क्या 45 से विभाज होगी। इसको जरा चेक किया जाए, 3 2 5 5 10 10 और 10 20, नहीं ये तो नहीं है, कोई और क्वेश्चन था क्या? 3 2 5 3 8 8 5 ये 0 है, तो 3 2 5 5 3 8 8 10 18, यानी यह भी क्या है? 9 से विभाज है, यानी इसका जो ऑप्शन दो दो ऑप्शन है वह 45 से विभाज हो जाएगा, तो ये दोनों आंसर होगा।
हालांकि यहाँ मिस्टेक है, इल्जाम में ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका कि 45 निम्नलिखित में से कौन संख्या 45 विभाज्य है, ऐसा आपको दो ऑप्शन है जो कि 45 विभाज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तिरसठ नंबर क्वेश्चन है 99 से विभाज्य, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन 35, 72, 404, दूसरा ऑप्शन 135, 792, तीसरा ऑप्शन 91, 34, 64, चौथा ऑप्शन है 11, 43, 45 और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो 99 से जब चेक करना हो, आप चेक को चेक करना होगा 9 और 11 से, ऐसी संख्या जो 9 और 11 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या क्या होगी, 99 से विभाज्य होगी। तो अब 9 और 11 में आसान किसे चेक करना है हमको, आसान है कि हम 9 से चेक करें। तो पहले चेक कर लेते हैं 9 से कौन कौन है विभाज्य, और फिर जो 9 से होगा वही, फिर उसी में हम 11 से चेक करेंगे सबको, क्या चेक जो इन है कि दोनों से चेक किया जाए। तो देखते हैं 9 से क्या ये विभाज्य है। तो 5 3 8 10 17 17 17 17 और 8 25 नहीं, 5 4 9 ये 9 से विभाज्य है, 9 1 10 3 13 13 13 13 10 23 ये भी 9 से विभाज्य है, 6 3 9 ये भी 9 से विभाज्य है। अब ये तीनों 9 से विभाज्य है, हमको देखना होगा कि इस तीनों में से कौन संख्या ऐसा है जो 11 से भी विभाज्य है। देखते हैं क्या ये 11 से विभाज्य है। 11 का नियम है एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, 5 1 6 6 9 15 15 और बाकी संख्या बच गई आपको 12, 15 12 का अंतर हुआ 3 नहीं, हमको 0 11 22 इसी ढंग से होना चाहिए, ये 11 से विभाज्य नहीं है। क्या यह विभाज्य है, 9 3 12 12 6 18, बाकी बच गया हमको संख्या का योग होगा 9, 18 से 9 गया तो 9 बचा नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला 4 1 5 5 4 9 बाकी बच जाएगा, उसका भी योगफल 9 हो रहा है, अंतर 0 हुआ, यानी यह संख्या क्या है 9 और 11 दोनों से विभाज्य, मतलब यह 99 से विभाज्य होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है 72 से, एक क्वेश्चन है चलिए इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 64 नंबर क्वेश्चन है 42 573 स्टार पूर्णतया 72 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान, कम से कम क्या मान है जो इससे विभक्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका 4 5 6 और 7, ऑप्शन को ही रख के चेक कर लिया जाए। 72 से व्यक्त होने के लिए क्या चाहिए, 8 और किस से, 9 से। तो 4 रख के जब देखेंगे हम लोग तो क्या ये 9 से व्यक्त हो रहा है, पहले 9 से चेक कर लेंगे। तो 4 2 6 6 5 11 11 7 18 18 3 18 3 21 21 4 25 नहीं, 4 रखने से नहीं हो रहा है, 5 रखेंगे तो 4 2 6 6 5 11 11 11 10 21 21 5 26, 5 रखने से भी नहीं हुआ, 6 रख के देखेंगे 4 6 6 6 5 11 11 10 21 6 27, हाँ 6 रखने से 9 से हो रहा है। क्या 7 रखने से भी हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, नहीं ही होगा। तो हम देखें कि 6 रखने से जो है, सिर्फ 6 को ऑप्शन में जो है 6 रखने से हो रहा है 9 से विभाज्य, तो क्या 6 रखने से 8 से विभाज्य हो रहा है, तो 8 से ही मैंने हम चेक कर लिए हैं, आप भी चेक करके देख लीजिएगा। ऑप्शन में 4 5 6 7 है, सिर्फ 6 को रखने से ही यह संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होती है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, जिससे क्या हो जाएगा 72 से विभाज्य हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखा जाएगा। क्वेश्चन है आपका 44 56 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि 6 से व्यक्त होगा। हालांकि 6 की जगह 9 वगैरह रहता तो हम लोग विभाज्यता के नियम का प्रयोग करके बना सकते थे, लेकिन 6 में देखना होता है 2 और 3 दोनों से देखना होता है, आसान होगा कि इसको हम लोग जल्दी भाग ही कर ले, ये थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा, ठीक से अच्छा इसका यूज कर लीजिए। फिर 36 42 25 6 24 16 14 12 शेष बच गया 4। तो कह रहा है यहाँ पे छोटी सी संख्या जोड़ी जाए, यही इसी नियम पे हम लोग आगे 5-6 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से क्या जोड़ी जाए, तो अगर हमको कहता यहाँ पे क्या घटाया जाए तो आंसर होता आपका 4। अगर ये क्वेश्चन होता 44 56 में छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए यह 6 से पूर्णतः व्यक्त होगा, तो हमारा आंसर होता 4। लेकिन जब ये क्वेश्चन है कि क्या जोड़ी जाए, जब कभी जोड़ने की बात हो ना, आप क्या करिए भाजक में से शेष को घटाइए, जो आपका आंसर होगा वही जोड़ी जाएगी।
यानी यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो दो जोड़ने से जो है सो आपको यह पूर्ण तभ्याज हो जाएगा। चलिए रहने दीजिए, आज इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे देखेंगे, आप इसको बना लीजिएगा दोबारा।